तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए आई है एक बहुत ही बड़ी दुख की न्यूज, और ये न्यूज टीम इंडिया को काफी भारी पड़ सकती है, क्योंकि बुमराह हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट, जो कि वो इंजरी के कारण एशिया कप में भी नहीं खेल पाए थे और अब हो चुके हैं वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर। तो उसका क्या कारण है, किस वजह से बाहर हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो जसप्रीत बुमराह जो उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही थी टीम इंडिया, उस वक्त बुमराह के कमर में आई थी एक मोच, यानी कि इंजरी आई थी, और वो इंजरी इतनी बड़ी थी कि उनको ऑपरेशन कराना पड़ गया था, और उस ऑपरेशन की वजह से वो एशिया कप में भी शामिल नहीं हो पाए थे। और एशिया कप में शामिल ना होने के बाद उनको जो एक और दौरे में मौका मिला था, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ ही था, उस दौरे में उनको इंजरी फिर आ गई, और इस इंजरी के कारण वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुए, जो कि वो पहला T20 मिस करके दूसरे में खेले थे और तीसरे में भी खेले थे, और बड़े ही महंगे साबित हुए थे, और वो महंगा साबित होना टीम के लिए भी महंगा पड़ गया, क्योंकि अब वो अनफिट हैं और T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हैं। तो आपको क्या लगता है, टीम इंडिया बिना बुमराह के, बिना इतने अच्छे गेंदबाज के टीम इंडिया संभाल पाएगी या नहीं, जो कि पहले ही रविंद्र जडेजा बाहर हो चुके हैं टीम इंडिया से, तो टीम इंडिया अभी बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि टीम इंडिया बिना बुमराह के क्या वर्ल्ड कप जीत पाएगी, और अगर बुमराह का रिप्लेसमेंट चाहिए तो किस खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा सकता है उनकी जगह पे, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टीम इंडिया से जुड़ी, जसप्रीत बुमराह से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट और अनोखी जानकारी लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।